हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शंकर आईएएस एनवायरनमेंट की बुक का चैप्टर 11, जो कि है शेड्यूल एनिमल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था। इसका उद्देश्य था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन पहुँचाना, क्योंकि बहुत से एनिमल खतरे में पड़ रहे थे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरह। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे इलीगल शिकार करना, स्मगलिंग करना, व्यापार उनका करना, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया। अब सारे जो भी स्पीसीज हैं इंडिया में, उनका कंजर्वेशन स्टेटस अलग अलग है, क्योंकि सारी उतने खतरे में नहीं पड़ी हैं, कुछ ज़्यादा खतरे में पड़ी हैं। तो यानी कि डिफरेंट स्पीसीज को डिफरेंट लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए इस एक्ट के अंतर्गत कई शेड्यूल्स बनाए गए। शेड्यूल 1 में सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ी प्रजातियां हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, ये दोनों चीज़ें, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2, इन दोनों में जो भी स्पीसीज आएंगी वो उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। आपको एक टर्म याद होना चाहिए, ऑप्शन में डायरेक्ट टर्म यूज हो सकता है, आप बाद के शेड्यूल्स में देखेंगे तो इनके ही रिलेटिव टर्म्स होंगे। तो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, और कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसको हाईएस्ट पेनाल्टी दी जाएगी। शेड्यूल 1 में कुछ एनिमल्स आते हैं, इन एनिमल को आप याद कर लीजिए कि कौन से एनिमल है। शेड्यूल 1 में लायन टेल्ड मकाक, राइनोसेरास, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नारकोंडम हॉर्नबिल, निकोबार मेगापोड, ब्लैक बक इत्यादि आते हैं। शेड्यूल 2 में रीसस मकेकस यानी कि लाल वाला बंदर, ढोले वाइल्ड डॉग, बंगाल पर्क्यूपाइन, किंग कोबरा, फ्लाइंग स्क्विरल उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन ब्राउन बियर इत्यादि आते हैं। अब शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में भी प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन उतना प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। तो टेक्निकल टर्म जो यूज किया जाएगा वो है प्रोटेक्टेड। यहाँ पर था ऊपर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन और यहाँ पर था प्रोटेक्शन, ठीक है, ये अंतर आप समझ लीजिए। ऑप्शंस में डायरेक्ट इस तरह से टर्म इस्तेमाल होते हैं। अब जो भी पेनाल्टी दी जाएगी किसी उल्लंघन करने वालों को, वो थोड़ा कम होगी शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 की अपेक्षा में। इसके बाद आ जाता है इनमें कौन से हैं। अब ये वाला जो आपको शेड्यूल है इसमें कौन से हैं, इनको एकदम से याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो करंट अफेयर में नहीं आते हैं तो। शेड्यूल 3 में आते हैं हाइना, हॉक डियर, नीलगाय पिछले साल न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने इसको वर्मिन घोषित कर दिया था, यानी वो एनिमल जिसका आप शिकार कर सकते हैं, क्योंकि फसल काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे और उनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी और ये खतरे में पड़े नहीं हैं अब, तो इसलिए नीलगाय को बिहार गवर्नमेंट ने सिर्फ इस समय वर्मिन घोषित करके रखा है। वर्मिन का स्टेटस शेड्यूल 5 में होता है, जो अभी आ गया है। इसके बाद आएगा गोरल, स्पॉन्जेज, बार्किंग डियर, और शेड्यूल 4 में मैंगूज, वल्चर इत्यादि आते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में जो एनिमल्स आते हैं वो जाते हैं वर्मिन, यानी कि वो एनिमल जिनका शिकार किया जा सकता है, कैन बी हंटेड, और आमतौर पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ये खतरे में पड़े नहीं होते हैं और ह्यूमन के डिफरेंट एक्टिविटीज एग्रीकल्चर वगैरह को बाधित कर सकते हैं, तो इनका बिल्कुल शिकार किया जा सकता है। इसमें माइस, रैट, कॉमन क्रो, फ्लाइंग फॉक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आ जाता है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 जो है सिर्फ प्लांट्स के लिए है, वो सारे प्लांट जिनके कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन और ट्रेड पे रोक लगी है, इन प्लांट को डायरेक्टली या इन प्लांट के किसी भी डेरिवेटिव का कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन या ट्रेड नहीं किया जा सकता है। इनमें कौन से प्लांट आते हैं आपको नाम याद रख लेना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। रेड वैंडा, ब्लू वैंडा, ये दोनों ऑर्किड्स हैं एक टाइप के। उसके बाद आ जाता है कुथ, पिचर प्लांट, बेडोम साइकड, एक टाइप का साइकस है, जिम्नोस्पर्म, फिर लेडी स्लीपर ऑर्किड, ये क्या है, ये भी एक टाइप का ऑर्किड है। अब क्यों प्लांट ये सारे शेड्यूल 6 में आते हैं, इनको इस टाइप से क्यों अलग से रखना पड़ा, देखिए ये क्या क्या कर सकते हैं। या तो ये अगर किसी अपने मेन हैबिटेट से कहीं और इंट्रोड्यूस कराए गए तो जो लोकल स्पीसीज हैं उनके लिए खतरा हो सकते हैं। कैसे डायरेक्टली, या तो उनका न्यूट्रिएंट और स्पेस ले लेंगे,
न्यूट्रिएंट एंड स्पेस, दूसरा उनके साथ जेनेटिक मिक्सिंग कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। और कई इनमें से ऐसे भी हैं जैसे पीचर प्लांट, ये सब इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट खाने वाले प्लांट हैं। इन प्लांट से क्या होता है कि इन प्लांट से इंसेक्ट खा लिए जाते हैं और कई बार यूजफुल इंसेक्ट भी ये खा सकते हैं अगर बहुत बड़े पैमाने पर इनको ग्रो करा दिया जाए तो, जिससे इकोसिस्टम का लॉस हो सकता है। तो ये सारे प्लांट आते हैं शेड्यूल सिक्स में। अब देखिए क्या न्यूज में जितने प्लांट आते हैं और जितने एनिमल्स आते हैं न्यूज में इंपॉर्टेंट, उन सब का शेड्यूल याद रखना जरूरी है? नहीं जरूरी है, सारे का जरूरी नहीं है। आमतौर पर शेड्यूल फर्स्ट और पार्ट टू ऑफ टू वाले ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो हैं अगर कोई न्यूज में आ जाते हैं इनका स्टेटस चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल नीलगाय वगैरह, तो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। शेड्यूल सारा याद करने की जरूरत नहीं है। स्पीसीज का आपको IUCN स्टेटस ही याद रखना चाहिए। जो भी करंट अफेयर्स में आए, कहीं भी न्यूज में आए कोई भी स्पीसीज, तो उसका आपको IUCN स्टेटस याद रखना चाहिए। अब हम देखेंगे ये सारे एनिमल्स जो कि WPA 1972 के शेड्यूल 1 से 4 में हैं, उनके डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, उनकी कैटेगरी क्या है जो IUCN कैटेगरी है, रेंज क्या है, हैबिटेट इकोलॉजी और मेजर थ्रेट क्या है। तो ये सारी जो लिस्ट है यहाँ से, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और कई का स्टेटस चेंज भी हो चुका है, तो इसलिए हमारे लिए ये लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करें इसके लिए, हम ये कर सकते हैं पहला कि न्यूज पेपर में जो भी स्पीसीज आए, उसके अलावा जो भी करंट अफेयर वगैरह की मैगजीन होती हैं उनमें जो भी स्टेटस आए किसी भी एनिमल या प्लांट का, उस के स्टेटस को हम नोट करते हुए एक नोट बना लें और फाइनली उसको रिवाइज करें। या दूसरा ये हो सकता है कि मैंने करीब 2 साल से नोट्स बना के रखा है, काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन है, मैंने ऐसा कंपाइलेशन किसी अन्य कोचिंग के मटेरियल में नहीं देखा था, इसलिए मैंने खुद से स्टार्ट किया इसको बनाना। तो उसमें आप डिफरेंट प्लांट एनिमल की स्पीसीज का कंपाइलेशन देख सकते हैं, उसमें सारे जो भी इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं उनका क्या IUCN स्टेटस है, उनका क्या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि हमारे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से अरेंज हैं। जैसे IUCN लॉन्च करता है उस हिसाब से, पहले एक्सटिंक्ट वाली चीज़ें हैं, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, फिर आ जाते हैं इंडेंजर्ड, उसी तरीके से आगे IUCN के कैटेगरी के हिसाब से, थ्रेट के हिसाब से हम इसका अरेंजमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस में आप देखिए तो कुछ जो हैं स्पीसीज के नेम्स, वो बॉक्सेज जो हैं वो अलग कलर के हैं और कुछ के वाइट हैं। जो पिंकिश कलर आप देख रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये पिछले 1 साल में आए हैं, और जो वाइटिस हैं वो 1 साल के पहले के हैं। लेकिन UPSC आजकल क्या कर रही है, UPSC आजकल 2 साल के करीब करीब का करंट अफेयर पूछ रही है, उसके पहले का भी पूछ सकती है लेकिन 2 साल से ही सबसे ज़्यादा पूछ रही है। तो ये सारा जो कंपाइलेशन है वो आज की डेट तक से ले के पहले 2 साल तक का है, करीब करीब अप्रैल 2018 से अभी तक का है। आगे भी कुछ आएंगी प्रिलिम के पहले तक, वो सारी चीज़ें बाद में अपडेट मैं कर दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए ये है। आप इसमें देखिए, आप सिस्टमेटिक तरीके से इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। पहले तो देखिए सारी जो भी जनरल स्पीसीज हैं एनिमल्स की, उनकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। पहले सारी एक्सटिंक्ट वाली हैं, फिर आ जाएंगी बीच में क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ जाएंगी, फिर इंडेंजर्ड आ जाएंगी, फिर आ जाएंगी वल्नरेबल, फिर आ जाएंगी नियर थ्रेटेंड, फिर आ जाएंगी लीस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न की लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, और इसमें जो जो स्पीसीज जिनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम जो कि यूनियन गवर्नमेंट की है में आती हैं, उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। और करंट अफेयर में अगर कोई किसी भी स्पीसीज से अच्छा कोई पॉइंट बन रहा था तो वो यहाँ पर नोट कर दिया गया। तो एक तरीके से स्पीसीज की सारी चीज़ें यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती हैं। उसके बाद जो टर्टल, टॉर्टाइज या टेरापिन्स होते हैं, यानी जो आमतौर पर ये टर्टल जिनको हम हिंदी में कहते हैं कछुए, उन सबों का एक स्पेशल कंपाइलेशन यहाँ पर है। ये ऊपर भी कुछ कुछ स्पीसीज हैं लेकिन अधिकतर यहीं पर हैं। ये सारे लगभग इंडिया में पाए जाने वाले हैं और इनका कंपेरेटिव एक तरीके से आप याद कर सकें, इसलिए एक अलग से इनका टेबल यहाँ पर है, ठीक है। अगर सिर्फ टर्टल्स का एक साथ होता है तो मैंने देखा है ज़्यादा आसान हो जाता है याद करना, क्योंकि टर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं करंट अफेयर के लिए, उनका IUCN स्टेटस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कुछ इंडियन हैं और
अधिकतर इंडियन है और कुछ कुछ बाहरी भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे का कंपेरेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से वल्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है, तो वल्चर का अलग से यहाँ पे एक टेबल है। फिर ऑटर्स का भी आ जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका भी इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट ऐसे क्रोकोडाइल्स जो होते हैं उनका भी अलग से ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी आ जाता है। उसके बाद आ जाता है प्लांट्स। प्लांट्स जो भी करंट अफेयर में इधर रहे हैं जिनका IUCN स्टेटस नोन है, वो सारे प्लांट जो न्यूली डिस्कवर हुए हैं वो नहीं, उनसे बहुत क्वेश्चन एक्चुअल में बनता भी नहीं है, लेकिन जो जो भी IUCN स्टेटस जिनका नोन है वो सारे प्लांट यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें तो कई ऐसे भी होंगे जो कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड भी हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि शुरुआत में कुछ एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट दिए हुए हैं, तो एक्सटिंक्ट में या तो अभी रिसेंट में एक्सटिंक्ट हुए हैं, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जिनका फॉसिल इस समय डिस्कवर हुआ है और वो ऑलरेडी जब हम जब से जान रहे हैं वो एक्सटिंक्ट ही हैं, तो वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन है, लगभग 2 साल का, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको ये मिलेगा कहाँ से? मिलेगा आपको ये टेलीग्राम चैनल से। आप ये लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में होगी, या आप अपने टेलीग्राम ऐप में जाएं और सर्च करें एवर ग्रीन आउल इस तरीके से बिना स्पेस दे दिए हुए, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। उस पे सारे वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा और सारे इस टाइप के PDF या अन्य कोई भी PDF जो इम्पोर्टेंट होगा उन सारी चीज़ों का आपको PDF वहाँ मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।